मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा पुलिस और जनता के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बुधवार को जनपद के 17 थानों पर पुलिस चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अफसरों ने थाने पर चौपाल लगाकर जनता से संवाद किए और क्षेत्र की समस्या की जानकारी हासिल करते हुए उसके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया। गंगा थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से वार्ता किया और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं कैंट थाने पर एसपी सिटी सोनम कुमार लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। रामगढ़ ताल थाने पर सीओ कैंट जयप्रकाश सिंह ने चौपाल के माध्यम से लोगों की बातों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। पुलिस चौपाल से आने वाले दिनों में आम पब्लिक में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और थानों की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगी। एसएसपी ने कहा कि बुधवार की शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह तक थाने पर मौजूद रहकर पुलिस अधिकारी वहां के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित थाने का निरीक्षण और इलाके का भ्रमण करने के साथ ही थाने की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट जयप्रकाश सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, अपनी बात नहीं कह पाता, कई बार अचानक मिलता है पहली मुलाकात में, अपनी बात नहीं कह पाते या उनको सही से व्यक्त नहीं कर पाते अपने भावनाओं को, तो कुछ देर बाद आदमी कई बार घर जाता है उसके बाद याद आता है उसको कि यार ये बात तो मैंने कही नहीं या ये बात मुझे ऐसे बतानी चाहिए थी या मेरे गांव में इनकी समस्या है, इनको ले जाते हैं, कप्तान साहब आज रुके हैं तो मैं कप्तान साहब से मिलवा देता हूँ इनको, तो ये इसीलिए हमने आज इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है और हर बुधवार की शाम को इस प्रकार से आपके थाने में कोई ना कोई अधिकारी बुधवार शाम को आएगा। जनपद में 28 थाने हैं और 17 अधिकारी हैं, तो 17 में से अगर एक दो कहीं काम से बाहर भी रहते हैं तो 15 अधिकारी, कम से कम 50% थाने हर बुधवार को कोई ना कोई अधिकारी रुकेगा। ठीक है, पता है जी।
भी कभी नहीं हुआ, अपना पता नहीं है। आप हमको कैसे लिखते हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ से जाते कैसे, घर कैसे जाते? हाँ, चार लोग थे। आप लोग आगे आ जाइए यार, आप लोग उसको ढंग लगा अलग अलग अपने खाने की बोलो बात करो। देवी कथा देवी और यह क्या करना चाहते हैं आपको ना, मैं ये काम कर रहा हूँ। सहयोग आपने बहुत किया हम लोग, नहीं बहुत बहुत सहयोग क्योंकि तो हमारी गोल घर पर, क्योंकि मैं ये देखता था कि लोग सड़क पे तो मिलते थे लेकिन दुकानें बंद ही मिलती, और ये बहुत ही टफ टाइम था। ये जो सेकेंड वेव जो है, सबके परिवार में कोई ना कोई दवाई होगा, और हमारे खुद के परिवार में भी मित्रों में बहुत सारे हुए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा बड़प्पन भी कहूँगा और सहयोग भी कहूँगा। इसके पहले मैं लखनऊ में पहुँचते था, वहाँ पे रेगुलर साथ मिलता रहता था। फर्स्ट वेव उसमें बहुत लोगों ने मदद भी की थी पुलिस की, मतलब शुरू शुरू से बनाया था। बहुत लोग बेचारे बिहार वाले और यूपी के ही, मुंबई से दिल्ली से बेचारे सब आए थे, तो लोकल। लेकिन आप लोगों ने जितना से सेक्रीफाई किया है बहुत बड़ी बात। अब देखिए थर्ड वेव जो आ रहा है, इसमें भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और खासकर जो बच्चे वगैरह हैं उन पर ज़्यादा ये आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को भी ध्यान देना है कि जो छोटे बच्चे हैं वो खास करके मास्क वगैरह प्रयोग करते रहें। तुम मास्क पहनते हो ना हमेशा? तो अभी ये चल आदत हो गई हम लोग कई चीज़ें, देखिए शुरू शुरू में जब आया था तो पता नहीं। थर्ड वेव देखिए किरला और कई जगह हो गया। अब यहाँ पे बेड वगैरह की समस्या थी, ऑक्सीजन की समस्या थी। अब देखिए अमेरिका में अभी वही स्थिति है, जबकि अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा धनी और सबसे पावरफुल कंट्री है इस टाइम पर, और वहाँ यही स्थिति वहाँ होगी। तो कब किसका मुझे आपको लगता है या खाने से कुछ परेशानी आपको हो रही है, या पता नहीं खाने को ज़्यादा मदद करनी चाहिए? जैसे एक बहुत अच्छा अभी पहलू स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए 90,000 है, पर आपको लग रहा है कि खतरा है, तो भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए। समझे कंट्रोल पर ना गया तो इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए। आप तक के पास BPO के नंबर है अपने बीट पुलिस ऑफिसर का? इसके साथ साथ सर एक जवाब जो होना चाहिए कि शहर में CCTV तो लगाए बहुत से लोग हैं,
और व्यापारी वर्ग और तमाम लोगों का कितना बड़ा शहर है और ये इधर सारी व्यापारी गतिविधियाँ हैं। अगर हमारा व्यापारी वर्ग और भी समाज की समाज सेवी है अगर उन चीज़ों को प्रॉपर वो लगाए रखें और जो होता क्या है वो अपने दुकान तक ही सीमित रखते हैं। जनरली देखा गया है कि जो भी दुकानदार है वो किसी चीज़ को पूरा सिर्फ अपने दुकान के फ्रंट तक रखते हैं। तो देखिए अपनी सुरक्षा तो हर आदमी कर सकता है लेकिन ये होना चाहिए कि अगर उस रोड से अगर कोई क्राइम हुआ अगर उनका किसी प्रॉपर उसको फोकस कर रहा है उससे बहुत से अपराध होते हैं तो लेकिन वो पकड़ में आते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखना चाहिए व्यापारी बन कि हमारा सुझाव डर के हमारे आदमी ले जाना ही नहीं चाहता था। देखिए पब्लिक पुलिस पुलिस पब्लिक तो होता ही है आप लोगों को कैसी करके दोपहर में आप व्यापारी मालिक आगे सर आप खुद कहेंगे कि क्या स्थिति आधी समस्याएं हैं और कहते भी मेरे को मार रहा था मेरे को मैं व्यापारी लड़का हूँ मैं अपना सामान लेके आ रहा था उसके पंखे से टकरा गया मुझे 5-7 थप्पड़ वहीं के व्यापारियों ने मारा आप बताइए मैं व्यापारी था ना व्यापारी भाई होता है ना तब मुझे मारते समय शर्म नहीं आई और जान के लिए सब लोग आप बोलने को तैयार हो जाएंगे। एक ही जगह है जैसे काम समस्या और चीज़ों को सुधारे तब वो जाके सुधर पाएगी आगे रहता है तो जाम की समस्या आधी हो जाती है। मैं समझ गया जाम की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है ये मुझे भी पता है। उसका एक कारण ये है कि गोरखपुर जो आस पास के जो लोग हैं वहाँ सब यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ की जमीन की कीमतें कितने बढ़ेंगे गोरखनाथ वाली रोड चौड़ी होने से सारी समस्याएं खत्म हो गई ये से गुजरता ही है मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन के दौरान जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनके उचित निस्तारण जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई तथा थाने की कार्य प्रणाली का सूक्ष्म निरीक्षण करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है जिसके तहत जनपद के समस्त थानों पर राजपत्रित अधिकारियों की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में मेरे द्वारा थाना रामगढ़ ताल पर चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें जन समस्याओं का सुना गया और थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गई पुलिस के संबंध में उनके जो भी विचार थे ओपिनियन थे उसको लिया गया और इसी के तहत पूरी रात जो है आज हम लोग मैं इस थाने पर रहूँगा और जो भी बिंदु कार्रवाई हेतु प्राप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जो है पुलिस चौपाल किया जा रहा है हर गजेट ऑफिसर जो है थाने पे पूरी रात व्यतीत करेगा और जो भी समस्या थाने की है या उस थाना क्षेत्र के निवासियों की है तो दोनों को देखेगा। इस क्रम में यहाँ थाना कैंट आज मेरे द्वारा आयोजन किया गया और इसमें इंस्पेक्टर कैंट भी मौजूद है। सबसे पहले महिला कॉन्स्टेबल से हमने बात की समस्याओं को सुना गया और कई सारे उनके वो इनोवेटिव बातें भी उन्होंने बताई और जो उनके कार्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ये सब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डेडलाइन रखेंगे। अगले सोमवार तक ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो उनकी पर्सनल समस्याएं हैं। कुछ बड़े अच्छे सुझाव भी उनके तरफ से आए हैं जैसे महिलाएं जो हैं कुछ महिलाएं चाह रही हैं कि वो क्राइम टीम पे काम करें क्राइम पे काम करें जैसा बाकी कई जगहों पर होता है विदेशों में तो होता ही है। महिलाएँ भी पुरुषों से कम नहीं हैं बिल्कुल बराबर हैं और कई मामलों में तो आगे हैं पुरुषों से। तो इस संदर्भ में अभी निर्देशित किया है सबसे कहता तो क्राइम टीम महिलाओं की बनाई जाए उन्हें सीडिया एनालिसिस सिखाया जाए। कुछ महिलाओं ने टाइपिंग सीखने की भी बात कही है उनको भी हम प्रोत्साहित करें और उनके सारे फीडबैक को लिया गया। बाकी जो पुलिस संबंधी समस्याएं उनकी रही हैं रिवेंस रिडेसल मैकेनिज्म और ये सारा उन पर भी कार्य किया जाएगा।
और थाने पे लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर जैसा उनको चाहिए, शौचालय वगैरह जो है उनको और बेहतर किया जाएगा जो पहले से बना हुआ है, और चेंजिंग रूम वगैरह की भी की जाएगी। इंस्पेक्टर कैंप को निर्देशित किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी प्रेषित की गई और अपने स्तर से हम इन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। तो व्यापारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वार्ता स्थापित की गई है और उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। कई छोटी छोटी समस्याएं वो बता रहे हैं, जैसे कुछ ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याएं बता रहे हैं कि कई स्थानों पर जाम की स्थिति ज़्यादा है, वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट अलग से करके और वहाँ के लोगों से कोई इनोवेटिव तरीका निकाल के हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त CCTV के संबंध में उनको जानकारी दी गई कि सब लोग जो है अपनी दुकानों पे CCTV लगाएं, CCTV को ऐसा लगाएं कि वो दुकान भी कवर करें और सड़क भी कवर करें। अपने DVR को अपने बगल वाले दुकान पर चौकी पर रखें ताकि अगर किसी चोरी या ऐसी घटना होती है तो उसमें DVR में चला जाए। इस तरह के कुछ सजेशन खुद उन्होंने दिए हैं और उनको ये बताया गया कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि अधिकारों के बारे में तो बात होती है बट कर्तव्य हम सब भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक नए समाज का निर्माण हो, एक विकसित समाज का निर्माण हो, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना हो। और इस बारे में व्यापारियों ने स्वयं बहुत सारे सुझाव दिए हैं, सारे सुझावों को हम लोग करेंगे और आने वाले चौपालों में भी जो भी फीडबैक होगा उसको लिया जाएगा। जो जिन चीज़ों पर कार्य नहीं होगा उन पर कार्रवाई भी होगी, अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, और अगर कोई ऐसा मामला है जो प्रशासन संबंधित है तो उससे जो भी अधिकारी उसको देख रहा है उसको सूचित। जी, आज पुलिस चौपाल का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों से फीडबैक लिया जाए क्षेत्र की पुलिसिंग के बारे में और समस्याओं के बारे में, और जो पुलिस हमारे कर्मचारी हैं उसको उचित मार्गदर्शन दिया जाए, थाने के रिकॉर्ड चेक किए जाए, कहां कमी रह गई है पुलिस के कार्य में, कहां और सुधार की आवश्यकता है, कैसे जनता को हम बेहतर पुलिसिंग की सर्विसेज उपलब्ध करवा सकते हैं, इसी के लिए ये कार्यक्रम पुलिस चौपाल का आयोजित किया गया है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में पुलिस चौपाल के चलते और ज़्यादा गहनता से थानों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखी जाएगी और ज़्यादा सुधार का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से इसमें पुलिसिंग में क्षेत्र की सुधार आएगा और अपराध में जो भी स्तर पर है उसमें और कमी का प्रयास किया जाएगा।